ओम वंदे मातरम मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। भारत में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर के पास तो ले जाया जाता है, पर बहुत सारे लोग हैं मित्रों जो डॉक्टर के पास जाना ही पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि बीमारी नहीं है, किसी ने कुछ करवा दिया है। किसने कुछ करवा तो नहीं दिया, आज का विषय यही है। किसी ने कुछ करवा दिया है, इसका मतलब क्या है? किसी को मेरे से दुश्मनी थी, उसने कुछ चाड़ू तोड़ना कर दिया है और मैं परेशान हो रही हूँ, या मेरा बच्चा या जो भी सदस्य वो परेशान हो रहा है। मित्रों, ये मुझे बड़ा ही एक अजीब लगता है, और कुछ लोग इसके प्रमाण भी देते हैं कि ऐसा है। मित्रों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मानसिक भ्रम होती हैं, हर बीमारी डॉक्टर नहीं बता पाता। मैंने बहुतों को देखा है। हमारे यहाँ एक बहन थी, उनके घुटने में कोई एक नस जरा टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। डॉक्टर से सारी रिपोर्ट निकालवा ली, MRI तक हो गया, लेकिन डॉक्टर कहता है आपको कुछ नहीं है, घुटना आपका सामान्य है। बाद में वो किसी के पास गए जो नस बिठाते थे, पर नस बिठाते थे वो, कोई तांत्रिक नहीं थे। उन्होंने उसको सिर्फ नस बिठा के सिर्फ 2 दिन में ठीक कर दिया, पर डॉक्टर के पास घूम चुके थे। पर उनको थोड़ी बुद्धि थी कि उन्होंने ये नहीं सोचा किसी ने कुछ करवा दिया। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, सारी रिपोर्ट निकाली, सारी रिपोर्ट सामान्य, एकदम सामान्य। डॉक्टर कह रहे आपको कोई तकलीफ नहीं है, घुटना क्यों सूजा पता नहीं। डॉक्टर सिर्फ पेन किलर दे रहा और कुछ दवा उनको नहीं दे रहा है, पर पता नहीं। अब ऐसी समस्या कई बार तो लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले निर्णय कर लेते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है और घूमने लगते हैं, ओझा तांत्रिक दरगाह मजार पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, और लास्ट में अपना धन खर्च करते हैं। इतना धन खर्च हो जाता है कई बार तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। डॉक्टरों के चक्कर में भी कई बार, डॉक्टर मतलब इलाज के चक्कर में, और कई बार इनके चक्करों में घर बर्बाद हो जाते हैं। मैंने बहुत धन की बर्बादी देखी इस तरह से, लेकिन वो लोग सही राह नहीं पकड़ते। समस्या कहाँ होती है मित्रों? कि जब आपका मन कमजोर पड़ रहा है, शरीर कमजोर पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो रही है। और एक मन ऐसा तत्व है या विषय है जो पूरे शरीर को काट डालो, कुछ भी कर डालो, वो कहीं नहीं मिलता। वो उपस्थित है, उसके ऊपर तो दुनिया चल रही है, पर वो देह में कहीं नहीं मिलता। उसकी उपलब्धता पूरा चीरफाड़ करने पे भी पता नहीं चलती, पर है तो सही। और वो तत्व जितना शरीर पर काम करता है मित्रों, उतना कोई अन्य तत्व काम करता ही नहीं। इसके लिए उसे सही करना बहुत अनिवार्य होता है। पर हमने जैसा कि सुना है, जैसा कि जाना है, कमजोर शरीर में कमजोर मन बसता है, और उल्टा कर लो, ताकतवर या शक्तिशाली शरीर में ही शक्तिशाली मन बसेगा। तो यदि आपका शरीर कमजोर हो रहा है तो आपका मन भी कमजोर होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता इस बात को। तो पहले अपने शरीर में शक्ति लाइए, सामर्थ्य लाइए। इसको हम ऐसे जानेंगे, एक व्यक्ति बीमार है, बूढ़ा है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमार है, उसको रोड पार करने में डर लगता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को रोड पार करने में डर नहीं लगता। बीमार अर्थात अधिक बीमार है वो, या तो बुजुर्ग है, उसको रोड पार करने में डर लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि कहीं कुछ मेरा बैलेंस चला गया, कुछ हो गया। तो वैसे ही मित्रों, जब आपका मन कमजोर होने लगता है, हर छोटी छोटी चीज, हर छोटी छोटी बात आपको डराने लगती है, आपको एक फोबिया खड़ा कर देती है, डर, फोबिया। मेरे पास कल एक फोन आया था, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे ऐसा तो कुछ है वहां पर, डर लगता है तो डर को निकालिए। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके डर को कोई बाहर का व्यक्ति नहीं निकाल सकता जब तक आप ना चाहें। आप अपने आप को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाने के कुछ गिने चुने ही तरीके हैं। आप दुनिया भर की दवा कर लीजिए, झाड़ फूक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, आपके अंदर बेचैनी रहेगी, जब तक आपकी नाक से सांस नहीं चलेगी, तब तक आपके मस्तिष्क को खून ठीक से नहीं मिलेगा, तब तक उसमें बेचैनी रहेगी। मित्रों, आप इतने से ही काम आपको करने हैं। मेरे हर वीडियो में मैं एक ही बात मुख्य बताती हूँ, दो बात,
नाक में तेल डालिए, बादाम रोगन डालिए और पानी वजन के हिसाब से पीजिए। जब आप इतना करने लगेंगे आपके शरीर में बहुत सी चीजें अपने आप छूमंतर होने लगेगी। उसके बाद अधिक है तो सांसों पर ध्यान कर लीजिए सीधे बैठ के। ये सब आप करेंगे आप पूरी तरह हर बीमारी से निजात पा सकते हैं, हर चीज से आप बाहर निकल सकते हैं। मैंने कितनों को इस तरीके से बाहर निकाला है। और यदि आपको अधिक शंका हो रही है कि वाकई किसी ने कुछ कर दिया है, तो मित्रों यदि राक्षसी ताकतें हैं तो उससे पहले ईश्वरीय ताकत है। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तभी आपको राक्षस याद आएगा। और दूसरी बात, ईश्वरीय शक्ति के आगे कुछ भी नहीं टिकता। तो एक छोटा सा काम करें, एक धागा लें, काला लें, लाल लें, पीला लें, हरा लें, जैसा भी आपको लेना है लें, पर धागा लें जिस जो अक्सर लोग गले में पहनते हैं। एक धागा लें, उसमें जिस नाम पर आपको विश्वास है, जिस ईश्वर के नाम पर, जिस गुरु के नाम पर गुरु आपको विश्वास है, उसका नाम जप करके। गुरु इंसान होता है मित्रों, इसलिए मैं ईश्वर की बात करूंगी। जिस नाम में आपको विश्वास है उस नाम का जप करके आप धागे में गांठ मारिए और उस धागे को हवन करके उसमें घुमाकर उसकी लौ दिखाकर जाप करते करते आप गले में बांध दीजिए, हाथ पे पहन लीजिए। कैसा भी कुछ भी तंत्र मंत्र होगा इसके आगे कुछ नहीं टिकेगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति के आगे हर राक्षसीय शक्ति घुटने टेकती है। यदि है तो, आपको ऐसा विश्वास है तो आप इससे उसको ठीक कर सकते हैं, सिर्फ अपने घर में कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मेरे साथ ऐसा फिर से हो गया है, इसलिए मेरे एक पेशेंट है, उन्होंने कहा कि मेरी बहन कह रही थी कि आपको किसी ने कुछ कर दिया, उनको पैरालिसिस हुआ है तो उनको ऐसा भ्रम पाल दिया किसी ने, तो उनको भी मैं यही बता के आई। और मेरे दिमाग में मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ कि यदि ऐसा कुछ है तो आप ये कर लीजिए और अपने वहम को दूर करिए और अपने अंदर शक्ति पैदा करिए। अपने आप सारी बुरी ताकतें आपसे दूर हो जाएंगी, कोई बुरा साया, कोई बुरी ताकत आपके साथ नहीं रह सकती। मित्रों कमजोर को हर कोई सताता है, इससे हम इसको हम ऐसे समझेंगे, आपके शरीर में कहीं चोट लग जाती है, आप जानबूझ के उस हिस्से को परेशान नहीं करते, लेकिन चोट बार बार वो दुखता है। क्यों दुखता है? जो कमजोर होता है उसको हर कोई सताता है, मजबूत को कोई नहीं सताता। तो मजबूत बनिए, जब तक आप कमजोर रहेंगे आपको हर चीज परेशान करेगी, हर चीज सताएगी। यदि आप बचना चाहते हैं अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, तब कोई समस्या, कोई बाधा, कोई प्रेत, कोई भूत, कोई किया कराया जादू टोना आपके ऊपर कभी असर नहीं करेगा। मित्रों विश्वास करिए और करके देखिए, ये आपके हाथ में है, कोई और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर बताएं, क्योंकि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस चीज में पड़े हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और यदि कोई समस्या है, कुछ जानना है, तो टिप्पणी में मुझे बताइए, आपके विचार टिप्पणी में आवश्यक होते हैं। यंग आपको कैसा लगा मित्रों जरूर बताएं। 9699971724 ये मेरा संपर्क सूत्र है, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन बात माने बिना, मैं नियम पालन किए बिना संपर्क करेंगे, मैं उतना ही आपसे कहूंगी, इतना करिए पहले। धन्यवाद। वंदे मातरम।